प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब वो शिकारी कहता है कि हे भगवान, मैं एक गरीब व्यक्ति, जंगली व्यक्ति और आप एक राजा, आपका मेरा के अकाउंट था, कौन सा हिसाब था, क्या मैं जान सकता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं श्री रामचंद्र रूप में आया था, उसमें मैंने तुझे, तू बाली का भाई, सुग्रीव का भाई तू बाली था, और तो इतना बलवान था कि तुझ तेरे सामने कोई भी टिकने वाला नहीं था, सामने वाले की आधी शक्ति तेरे अंदर समा जाती थी, तूने ऐसी भक्ति करके ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। उसने मैंने तुझे धोखा देकर मारा था, एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर के मैंने तुझे तीर मारा था, मैं तेरे सामने नहीं टिक सका था। अब वही जो धोखा मैंने तेरे साथ किया था, आज तूने मेरे साथ उसी धोखे का बदला ले लिया, आज मेरी मृत्यु तेरे हाथ से इसीलिए हुई है। आप चिंता मत करिए, आप जाइए और द्वारका, अब किसी को बताना नहीं कि मैंने मार डाला है, और मेरा संदेशा द्वारका में भिजवा दे कि वो श्री कृष्ण जी की अंतिम श्वास गिन रहा है और सब यादव मर चुके हैं लड़के, और पांडवों को बुला दिया जाए, वो हमारे रिश्तेदार हैं। क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन की शादी हुई थी, सुभद्रा ब्याही थी, पांडवों को पता चला तो पांचों पांडव वहां पहुंच गए। अपुण्यात्माओं, आपने गीता जी को सुना कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन कहता है कि इन सामने खड़े भाई भतीजे, रिश्तेदार, बहनोई, साले ससुरों को मारने से अच्छा तो हम भीख मांग कर भी अपना निर्वाह कर लेंगे, उसको भी मैं उचित समझता हूं, लेकिन ये झगड़ा नहीं करना चाहता, ये युद्ध नहीं करना चाहता। उसमें श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल कहता है कि तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये सबको मैंने मार रखा है। श्री कृष्ण जी ने उस काल के आदेश से, उस काल के आदेश को श्री कृष्ण जी का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरों का विनाश हुआ, युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठाया गया। युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठा दिया गया, कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौपन आने लगे और बहुत बेचैन रहने लगा, ना खाने को दिल करता ना पीने को, बहुत बुरा हाल हो गया। तब उसके समाधान, क्योंकि पांडवों का गुरु श्री कृष्ण जी थे, उस दुख के निवारण के लिए भी पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के पास आए थे। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं
उन पापों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर प्रभावी है, दबाव दे रहा है। उसका समाधान है कि एक यज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ करो, उसमें एक शंख रखा जाएगा अलग से, और वो शंख अपने आप आवाज करेगा जब सभी उपस्थित गण भोजन पालेंगे, और यदि शंख नहीं ने आवाज नहीं की तो समझो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और तुम्हारा कष्ट निवारण नहीं होगा। ऐसा ही किया गया। उसमें अर्जुन के मन में संकोच बहुत आया था, शंका उत्पन्न हुई थी कि आज ये भगवान क्या कह रहा है कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया है वो पाप तुम्हें हानि कर रहा है, और उसमें मैं लड़ने से मना कर रहा था, युद्ध नहीं करना चाहता था, भगवान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है दबाव भी दिया और एक मुझे मेरे से बलात् युद्ध कराया, भयंकर रूप दिखाया, डराया धमकाया और कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर लो। फिर वो यज्ञ किया गया, वो यज्ञ भी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की कृपा से ही संपूर्ण हुआ था। वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, श्री कृष्ण जी और सभी देवी देव जितने भी देवता थे, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, विप्र, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये सभी विद्वान थे, लेकिन वो शंख नहीं बजा था उनसे, पांडवों का की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी, वो भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति के कारण अर्थात कबीर परमेश्वर की रजा से ही, वो एक सुदर्शन नाम के भक्त से जो कबीर परमेश्वर के सच्ची भक्ति करता था उससे संपूर्ण हुई थी। अर्थात उनके वो जो 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था, जैसे कोई प्रेत आत्मा सताती है, जैसे युधिष्ठिर जी को वो प्रेत आत्माएं सता रही थी, जो युद्ध में व्यक्ति मरे थे, उनका दबाव था उसके ऊपर, वो भी श्री कृष्ण जी आदि से दूर नहीं हो पाया, वो भी पूर्ण परमात्मा के भक्त सुदर्शन जी से ही वो समाप्त हुआ, वो 3 ताप के अंतर्गत, अर्थात कबीर परमेश्वर द्वारा ही वो 3 ताप पांडवों का नष्ट हुआ था। अब जब पांडव वहां पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी मेरी अंतिम मेरा अंतिम समय है और मेरी अब ये आज्ञा का अच्छी तरह पालन करना, मेरे अंतिम वचन सुनो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी पांडव, पांचों पांडव, तुम्हारी माता द्रौपदी आदि जाकर के हिमालय की तलैटी में सात तप करो, और तप तब तक करते रहना जब तक तुम्हारा अंत ना हो जाए। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो आज्ञा आपकी, क्या हम इसका कारण जान सकते हैं कि हम अपने, ये तो एक आत्महत्या जैसी बात होगी भाई, तो अपना वहां जाकर के नष्ट करें अपने शरीर को, इसके पीछे हमारा क्या हित है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो बंधुघात किया था, तुमने जो युद्ध में प्राणी मारे हैं, सैनिक मारे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहा है, ये बहुत कष्ट देगा, और आप उसके निवारण के लिए अपने शरीर को तप करके गला देना, क्योंकि इन भगवानों को भी इतना ज्ञान है, इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है, ऐसा ही ज्ञान है कि तप करवाने से इनको क्या होगा कि कुछ इनकी वो बन जाएगी, तपस्या का फल मिल जाएगा। तप से राज राजमदमानम जन्म तीसरे शुकरश्वानम, तप से राजा बनता है कि इनको कुछ दिन आगे किसी जन्म में ये राज प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही राहत मिल जाएगी, नहीं अन्यथा इन भगवानों की द्वारा बताए गए साधना से, भजन भक्ति से तो दोनों पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। पुण्य अलग डिपॉजिट होते हैं, पाप अलग से डिपॉजिट होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, इनको पुण्य भी भोगने पड़ते हैं, मिलते हैं, और पाप भी अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, ये उनको समाप्त नहीं कर सकते, उनमें फेरबदल नहीं कर सकते। तो उसमें अर्जुन से नहीं रहा गया,
अर्जुन ने कहा, भगवान आज मैं आपसे अपनी एक शंका का समाधान करवाना चाहता हूं। यदि वो शंका का समाधान आप नहीं कर सके तो मेरा पूरा जीवन नरक बन जाएगा, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा, मर भी नहीं सकूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बताओ ऐसी कौन सी शंका है, पूछिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने गीता जी के ज्ञान में कहा है दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि तू मर गया तो स्वर्ग को जाएगा, युद्ध में अगर मर भी गया तो स्वर्ग को जाएगा, और जीवित रहा तो पूरी पृथ्वी का तू राज भोगेगा। हे भगवान आज ने तो हम आपने कहा था कि तेरे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू हैं, आज हमारे एक हाथ में भी लड्डू ना रहा, न तो हम युद्ध में मर के वीरगति को प्राप्त हुए कि स्वर्ग को प्राप्त हुए, और न ही हम पृथ्वी का राज भोग पा रहे हैं। आप कह रहे हो जाकर के अपने शरीर का अंत कर दो। हे भगवान आपने ये हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, क्या स्वार्थ था आपका? जब मैं मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और आपने मेरे साथ बहुत दबाव दिया, बहुत जबरदस्ती की और युद्ध करवा डाला। युधिष्ठिर कहता है कि अर्जुन इस समय भगवान की स्थिति देख, ऐसे समय में ये बोल बोलना तेरा ठीक नहीं है, आप ऐसे वचन मत कहो, भगवान को अंतिम श्वास ले रहे हैं, इनको जाने दो चैन से। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इसने अपने मन की बात पूछने दे, आज मैं यथार्थ बात कहूँगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन ये भाई ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की बात थी, क्या तो गीता में मैंने कहा और क्या कुछ हुआ, ये सब करवाने वाली कोई प्रबल शक्ति है, उसके विवश हैं हम, और जो कुछ हुआ भाई ये होनहार थी। ऐसा कहकर के भगवान और श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करना, तुम यहां से सभी औरतों को अपने साथ वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ, यहां पर कोई भी नर नहीं रहा है, सब यादव आपस में लड़ मरे हैं दुर्वासा जी के श्रापत। अब पुण्यात्मा इतनी कह करके भगवान श्री कृष्ण जी शरीर त्याग दिया श्री कृष्ण जी ने, और वहां द्वारका के बाहर वर्तमान में भी श्री कृष्ण जी का वो निर्वाण मंदिर बना हुआ है, जहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके वहां समाधि दी थी, यानी वहां दबाया था। अब अर्जुन जो है अकेला सभी औरतों को लेकर के चल रहे हैं रथों में, अर्जुन भी अपने रथ में बैठा है, वही धनुष जिसके साथ युद्ध किया करता था अर्जुन के साथ है। रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने उन सभी को रोक लिया, कुछ तो लड़कियों औरतों को अपने साथ ले गए, कुछ सबका गहना तोड़ लिया, लूट लिया, और श्री अर्जुन से को पीटा, अर्जुन से वो तीर नहीं चला जिससे युद्ध किया करता था। तब श्री कृष्ण जी को उल्हाना देता है अर्जुन के, अर्जुन वो कृष्ण तो छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है, जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, एक तीर से एक ऐसे तीर चलाता था कि सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को मार के दम लेता था, मेरे सामने टिकने वाला कोई नहीं था, आज वही अर्जुन और वही ये धनुष, और आज मेरे से ये धनुष उठ नहीं रहा है, बाजुओं में दम नहीं। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं न तो श्री कृष्ण जी धोखेबाज था, नहीं वो छलिया था, ये तो इनका पिताजी जो है काल, ये सब खेल खेलता है, ये स्वयं सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता है, और कभी श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके, कभी किसी दूसरे में प्रवेश करके ये अपने उल्लू को सीधा करता है, अपने कार्य सिद्ध करता रहता है।
अपुण्यात्मा। अब ये तीन ताप थे जो युधिष्ठिर जी को बुरे स्वप्नाना अर्थात प्रेत आत्माओं का दबाव था उसके ऊपर, वो भी ना श्री कृष्ण जी उसको समाप्त कर सके और न ही 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और ना ही 84 सिद्ध 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों का पाठ किया करते थे, उनसे भी उनका वो कष्ट निवारण नहीं हुआ, उन प्रेत आत्माओं का दुख दूर नहीं हुआ जो युधिष्ठिर को सता रहे थे। दूसरे श्री कृष्ण जी के द्वारा भी दुर्वासा जी का श्राप नहीं समाप्त किया गया। दुर्वासा जी ने यादों को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा नाश होगा। श्री कृष्ण जी ने 2 बार समाधान भी बताया। पहला समाधान बताया कि इस कड़े को और कपड़ों को घिसा घुसू के नष्ट कर दीजिए, तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया। और फिर कहते हैं कि गंगा यमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा, साप नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट साप नष्ट नहीं हुआ, यादव कुल फिर भी नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी कुछ बचाव नहीं कर सके और दुर्वासा के साप व श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई। यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनो तापम। तुम कौन राम का जपते जापम, तुम कौन से भगवान की भक्ति करते हो जिस कारण से तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं होते। और परमात्मा क्या कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमेश्वर कहते हैं कि इन सब बंधनों को मैं काट दूं, कबीर भगवान जी कहते हैं, और इन सभी 3 तापों को भी नष्ट मैं ही कर सकता हूं। और यहाँ काल के बंध से, काल के जाल से, काल ने जो तुम्हें यहाँ परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, तुम्हारे अंदर इतना कष्ट भर रखा है, कोई हाहाकार मच रही है, कोई प्राणी यहाँ सुखी नहीं है, इस काल के बंधन से छुड़ा दूंगा। इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूँ। बंदी छोड़ माने बंधन छुड़वाने वाला, काल के बंधन से मुक्त कराने वाला, उसको बंदी छोड़ कहते हैं। इस प्रकार पुण्यात्मा, सत्संग आने से आपको ज्ञान होता है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं भक्ति की, या संसारी कर्म जो हम कर रहे हैं, ये कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। तत्व ज्ञान रूपी तराजू में तोल कर ही हम देख सकते हैं। ये तत्व ज्ञान आपके समक्ष आ रहा है, सभी प्रमाण जो आप प्रतिदिन सुना करते थे वही, उन्हीं से ये निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हीं से ये सार निकाला जा रहा है जो आपके समक्ष तत्व ज्ञान रूप में पेश किया जा रहा है। पहले भी हमारे पूर्वज सभी भगवान की चाह में रहते थे, संतों का आदर करते थे, संतों की कथा सुनते थे, विद्वान पुरुषों की, ब्राह्मणों की जो बड़ी इज्जत करते थे, और उनसे जो कथाएं सुनने को मिल जाती थी श्रवण किया करते थे। अब उन स्वार्थी लोगों ने क्या किया कि अपने स्वार्थवश ही सब कार्य शुरू कर दिया। आपको बताते हैं कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा इसमें त्रुटियां आ गई थी। एक बार वशिष्ठ मुनि जी एक राजा के पुरोहित थे, अर्थात गुरु थे। उस राजा ने एक यज्ञ करना था, 500 वर्ष के लिए यज्ञ करना था, ना 1,000 वर्ष के लिए यज्ञ करना था। तो उस राजा ने अपने 2-4 ऋषियों से सलाह ली, सामान इकट्ठा कर लिया और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने गया कि हे गुरुदेव, आप मेरा 1,000 वर्ष तक चलने वाला ये यज्ञ प्रारंभ कीजिए। उधर से वशिष्ठ जी ने इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ पहले ही स्वीकार कर रखा था। जब राजा ने उनसे कहा कि आप मेरा ये यज्ञ कीजिए,
वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने 500 वर्ष का यज्ञ करना इंद्र का स्वीकार कर रखा है, मैं प्रथम उसको करूंगा, बाद में आपका करूंगा। राजा ने कहा कि बड़ी मुश्किल से प्रेरणा हुई है प्रभु की, अब सब साजबाज तैयार कर लिया है मैंने, सारी सामग्री मंगवा ली है, अब ये व्यर्थ जाएगी, गुरुदेव आप मेरा पाठ ये यज्ञ पहले कर दीजिए। नहीं माना, कहने लगा नहीं मैं बाद में आकर करूंगा, सामग्री को रख लीजिए। उधर से उस राजा ने दूसरे गौतम ऋषि को अपना जो वो मना लिया वहां का प्रधान यज्ञ करने के लिए, उनसे प्रार्थना की, तो गौतम ऋषि ने वो शुरू कर दिया। 500 वर्ष का यज्ञ वो इंद्र का पूरा करके वो ऋषि राजा के पास आया इस उद्देश्य से कि अब मैं उसका पाठ पर यज्ञ प्रारंभ कर दूंगा। आके देखा वहां तो यज्ञ चल रहा था, बहुत से ऋषि और गौतम जी को वहां का मुखिया बना रखा था, उसका प्रधान बना रखा था। इस बात से दुखी होकर के वशिष्ठ जी ने मान बड़ाई वश होकर के इसने मेरी आज्ञा के बिना दूसरे गुरु को से दूसरे व्यक्ति से कैसे यज्ञ करा लिया, श्राप दे दिया राजा को। राजा उसमें सोया हुआ था, राजा का प्राण निकल गए। राजा जब जागया तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे वशिष्ठ जी आए थे, उन्होंने आपको श्राप दे दिया, आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने कहा कि भी इस गुरु ने, अच्छा निकम्मा गुरु ये तो, इसने कारण तो पूछना चाहिए था मेरे से, इसने मुझे मृत्यु का दंड का श्राप दे दिया है, तो मैं भी उसको श्राप देता हूं कि तेरी भी मृत्यु होगी, तेरा शरीर नष्ट होगा। अब राजा ने गुरु को श्राप दे दिया और गुरु ने अपने शिष्य को श्राप दे दिया कि तेरी मौत होगी। अब यो के कहानी भाई, पुण्यात्मा जो भी साधना आप करते हो, भक्ति करते हो, पुण्य करते हो, इसको आप दुरुपयोग भी कर सकते हो। अब राजा भी पुण्य युक्त था, सिद्धि थी उसके पास, उसने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया राजा को, दोनों चौड़ चपट। अब कौन से न गुरु बतावर, कौन से न ठीक, क्या तो उस गुरु के लक्षण है जो शिष्य को ऐसा बुरा श्राप देता है, और कहां उस शिष्य में लक्षण होगा कि गुरु को फिर उल्टा श्राप दे रहा है, तो दोनों की मृत्यु होगी। वशिष्ठ जी को फिर उसके वो अपने पिता ब्रह्मा के पास गया, वहां उसने कुछ विधि बताई, फिर उसको दोबारा किसी और ऋषि के माध्यम से शरीर मिला, फिर दोबारा उसको शरीर प्राप्त हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान बहुत समय से पहले से इसका अभाव है, ये समाप्त है। कबीर परमात्मा आकर इसको जागृत करते हैं, आज से 600 वर्ष पहले भी उन्होंने जगाया था, 64 लाख शिष्य भी हो गए थे, लेकिन नकली संतों ने, गुरुओं ने उस परमेश्वर को नकार दिया, जनता को भ्रमित कर दिया कि ये जुलाह है, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं रखता, संस्कृत नहीं जानता, इसलिए ये वेदों और गीता और पुराणों के विषय में अनभिज्ञ है, इसकी बात मत मानियो। अब उस समय ये बात स्वीकार करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, जनता अशिक्षित थी, संस्कृत के ज्ञाता केवल विद्वान ब्राह्मण ही हुआ करते थे, दूसरे को संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। एक कड़ौली गांव है खुरखोदा के पास, कड़ौली, और वहां का एक जाट था निश्चल, वो बचपन से उसको एक प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत पढ़ूं, क्योंकि संस्कृत पढ़ना केवल ब्राह्मण लोगों को, उनके बच्चों को ही आज्ञा थी, दूसरा नहीं पढ़ सकता था, ऐसा इन्होंने अपना नियम बना रखा था, और काशी विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। तो उस बच्चे को ये प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत का ज्ञान करूं और शास्त्रों को पढ़ूं, देखो इनमें क्या लिखा। लेकिन उसको ये भी मालूम पड़ा कि काशी विद्यापीठ में तो केवल ब्राह्मण को ही प्रवेश प्राप्त होता है। उस लड़के ने क्या किया, झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया गांव के नंबरदार थे, उसमें सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार ही मुखिया हुआ करते थे, और नंबरदार से लिखवा लिया कि
नंबरदार अनपढ़ होते थे, इसे बस को थोड़े बहुत शिक्षा जानते थे। उस वो लड़के ने लिख लिया कि ये फलाना सुनो फलाना इस गांव का ब्राह्मण कुल से संबंध रखता है, और वहां प्रवेश मिल गया। उसने शिक्षा ग्रहण की तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा, प्रत्येक कक्षा में प्रथम आया। वहाँ के जो प्राचार्य थे, मुख्य जो ब्राह्मण थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, जो वो ब्राह्मण थे, और उनके एक लड़की ब्याह की हो रही थी, युवा युवती थी, जवान हो गई थी, उसने चिंता सता रही थी छोरी का ब्याह करूँ। उधर से लड़के ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली निश्चल जी ने। अब वो निश्चल जो है अपने मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल के पास गया और कहा, गुरुदेव आशीर्वाद जो आपके बच्चे को, मैं सफल हूँ, मैं अपने क्षेत्र में सफल हूँ और इन सदग्रंथों को जनता तक पहुँचाऊँ इनका अनुवाद कर करके। तो उस गुरुजी ने कहा यानी प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा कुछ गुरुदीक्षा नहीं देगा क्या? उसने कहा जो मांगो वो आपका ही है गुरुदेव, क्या मैं भिखारी व्यक्ति हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब घर का व्यक्ति बच्चा हूँ और मेरे पास मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तब उसने कहा कि आप वचन कीजिए, उसने वचन कर लिए निश्चल दास ने। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा आप मेरी लड़की से, वचन नहीं, वचन की बात में कहता कि मेरी लड़की से तू शादी कर ले, तू बहुत अच्छा विचारवान बच्चा है। और उस समय ये ब्राह्मण लोग जो वहाँ पढ़ने जाते थे, इनका उद्देश्य रोजी रोटी हुआ करता, जैसे आजकल लड़के डॉक्टर की तरफ जाते हैं ना, डॉक्टरी की तरफ, उनका उद्देश्य केवल मनी मेक ही होता है और कुछ नहीं, पैसे कमाण का, दो के बीच बनाण का। उसने कोठी बना ली, कार ले ली, वो लड़का MBBS करके प्राइवेट दुकान कर रहा है, एक रात के 500 रुपये 200 रुपये बेड के और पता नहीं कितने, यानी इस तरह लूटन का उद्देश्य ही होता है। वह ऐसे ही उस समय ब्राह्मण लोग जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आते थे, उनकी महिमा क्षेत्र में बहुत होती थी, भाई काशी जी पढ़ का आया है, तो उससे ज्यादा पाठ कराया करते, उसके शिष्य ज्यादा होते थे, उसको ज्यादा रोजी रोटी यानी पैसे गणे मिला करते थे, वो साहूकार हो जाता था। अब जब उसने बताया, अब धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि मैं तो जाट हूं और ब्राह्मणान मेरा पट्टेगा, वो गढ़ेंगे वहां पर, गांव में रोला मचेगा। तो उसने कहा, गुरुदेव मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं, मुझे अक्षमा कीजिएगा। निश्चल जी ने कहा कि मैं जाट हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, और मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत का ज्ञान ग्रहण करूं और सदग्रंथों को देखूं, इन वेदों और पुराणों को पढ़ूं और जनसाधारण तक इनका यथार्थ ज्ञान बताऊं। मेरे सामने एक समस्या आई थी कि मैं जाट था और जिस कारण से मुझे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो मैंने झूठा सर्टिफिकेट बनवा के और यहां प्रवेश पाया है। इस बात से वो प्रिंसिपल जी लाल पीला हो गया और गुस्से में आकर श्राप दे दिया और कहा, तू वचन कर, श्राप दे दिया कि तुझे बुखार प्रतिदिन जबर आया करेगा, तुझे प्रतिदिन जबर पीड़ित करे 1 घंटा क्या करेगा। और फिर कहा कि तू वचनबद्ध हो, संस्कृत भाषा को ना पढ़ेगा ना सुनाएगा, संस्कृत भाषा में कहीं भी प्रचार नहीं करेगा। अब उस होनहार बालक ने स्वीकार कर लिया, गुरुदेव मैं संस्कृत भाषा में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखूंगा, ना ही इसका प्रचार करूंगा। तब वो निश्चल दास जी दादू पंथ में के अनुयायी बन गए। दादू जी तो नहीं थे उस समय, बाकी उनकी शिक्षाओं को पढ़ा सुना देखा, उनके अनुयायी बन गए। फिर उन्होंने एक अलग से अपने अनुभव का एक संत भाषा में एक ग्रंथ लिखा है, निश्चल ग्रंथ। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार उस समय
जब परमात्मा स्वयं आए थे, उसमें संस्कृत के पढ़ने का केवल एक ही वर्ग को अधिकार था, दूसरे को नहीं था। इस कारण से उस परमात्मा को फेल कर दिया गया इन नकली झूठे संतों गुरुओं और इन विद्वानों ब्राह्मणों के द्वारा कि ये झूठा है, कबीर को कुछ नहीं पता है, सारे सदग्रंथ जो है संस्कृत में है, ये अनपढ़ है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 13 में लिखा है कि चाहे कोई तो विद्वान को, कोई तो पढ़े लिखे को विद्वान बोल बता देता है, यानी जिसको शिक्षा अक्षर ज्ञान है उसको विद्वान कहता है और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कहते हैं। अविद्वान और विद्वान के विषय में भी वो तत्वदर्शी संत ही बताता है कि वास्तव विद्वान यो शिक्षित है या अशिक्षित है। एक भाषा विशेष का ज्ञान हो जाने से इंसान विद्वान नहीं कहला सकता, वो महर्षि नहीं बन सकता। परमात्मा ने वही ज्ञान जो संस्कृत के सदग्रंथों में, पुराणों में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा था, वही परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज संत भाषा में, साधारण भाषा में उस समय लिपिबद्ध करवा दिया था। उस समय तो लोगों ने नहीं माना क्योंकि वो स्वयं अशिक्षित थे। आज आपके समक्ष है 600 साल पहले लिखी हुई वही अमरवाणी आज वेदों और गीता जी तथा पुराणों से मेल खाती है। आप विचार कीजिए, विद्वान कौन थे, अविद्वान कौन थे? वो अक्षर ज्ञान युक्त ब्राह्मण अविद्वान थे और वो अक्षर ज्ञान से रहित परमात्मा कबीर परमेश्वर विद्वान थे। परमात्मा गीता जी में ये लिखा है कि विद्वान और अविद्वान की इतना ही ज्ञान है कि विद्वान पुरुष सदग्रंथों को पढ़ें और यथार्थ ज्ञान जनता को बताएं, फिर अविद्वान उनके द्वारा बताएगी भक्ति कर ले, दोनों पार हो जाएंगे। और परमात्मा तो विद्वान थे, विद्वानों के विद्वान थे और सब ज्ञानों के ज्ञान जानने वाले थे। तो इस प्रकार ये आगे इन लोगों ने अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था, परमात्मा चाहने वाले लोगों की कमी नहीं थी और जिस कारण से ये अपने दुखों का निवारण करने के लिए संतों, ऋषियों, गुरुओं, विद्वानों, ब्राह्मणों के पास जाने जाते रहते थे। अब उन्होंने फिर अपनी रोजी रोटी को इतना महत्व दे दिया कि जो अधिक से अधिक साधना बताने लग गए उसी को अच्छा गुरु मानने लग गए। जैसे आप पहले कोई पूजा कर रहे हो, किसी देव की पूजा कर रहे हो परंपरागत, किसी पहले गुरु के बताई हुई, उसे लाभ नहीं हुआ, फिर आप किसी और संत के पास पहुंचे तो उसने आपको दो और बता दी, आप समझ गए कि ये गुरु पक्का सही है, इसने उससे न्यारी दो पूजाएं और बताई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे लाभ होगा। लेकिन होना जाना कुछ था नहीं, फिर कथा कुथा करने लग गए। अब अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया और जनता इतनी दूर होगी भगवान से कि वो अपने समाधान दुखों को के निवारण के लिए या तो चोरी करने लगी, जैसे किसी का धन में लाभ नहीं हो रहा है और किसी को किसी कारण से टेंशन होगी तो दारू पीने लगे, सुल्फा इस तरह पीने लगे, यानी भगवान से जो मिलने वाला राहत था वो ना मिलने के कारण ये जनता अब जो है बुराइयों की तरफ चल पड़ी। परमात्मा से हमारे सभी दुख दूर होते हैं, धन में भी लाभ होता है, शरीर का दुख भी दूर होता है, हमारे तीन ताप भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक काम बिगाड़ दिया कि एक समय एक मनीराम नाम का गुरुजी किसी गांव में कथा करे था और ये इसे लालची हो गए कि एक दिन दो दिन चार दिन की कथा में तो इनका पूरा पट्टा नहीं, तो 30 दिन की कथा रख दी कि एक महीना कथा करूँगा, एक गांव में एक महीना कथा करूँगा। मनीराम नाम था उस गुरुदेव ब्राह्मण का। उधर से गांव के दो चार बकवादी लोगों ने सोचा कि भाई
उन्होंने सोचा कि ये गांव में ब्राह्मण आया हुआ है और ये पाखंड कर रहा है, जिस दिन इसकी कथा का भोग पड़ेगा, पढ़ना था, उसी दिन उन्होंने एक सलाह की कि दिल्ली से एक लड़की ले आए जो डांस करती थी, उसका चंपाकली नाम था। अनुन निकम्मों ने यह सोचा था कि भोग पड़ेगा उस दिन, कहीं गांव के लोग ब्राह्मण के नाच डाल दे पैसे, उस दिन यहाँ नाचने गाने वाली बुलाली वाली लड़की और वो सांग जोड़ दिया। अब ये कुदरती बात है, इस तड़क बड़क की तरफ यो मन आप पे खिंच जाता है। वो लड़की नाचने वाली आई तो सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया, पंडित जी उधर भोग ने भोग डाला, उसके 30 दिन में 30 रुपये आए दान के, 30 दिन में, और उधर से उस लड़की के डांस में गाने गुने में 500 रुपये का चढ़ा चढ़ गया। जब उस पंडित जी को पता चला कि चंपाकली तो 2-4 घंटे में 500 रुपये लेगी और तेरे 30 दिन तक मत्था पिचाई करके 30 रुपये आए, तो वहां से चल पड़ा उस गांव से, और मन में बहुत दुखी, लोगों को गाल दे कि तब बहुत बूढ़ा जमाना आ गया, पता के कर ले इस दुनिया का, देख मन तो 30 दिन कथा करी, मेरे तो 30 रुपये हुआ, पाखंडन आई थी 500 रुपये लेगी। इसी चिंता में वो चला जा रहा था। रस्ते में गांव छुड़ानी, जहां पर कबीर परमात्मा की परमहंस परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा गरीबदास जी विद्यमान थे, और वो अपने दरवाजे के सामने, अपने मकान के सामने बाहर बैठे थे छाया में, दरवाजे के अंदर जो मेन गेट होया कर उसमें बैठे थे। उधर से मनीराम जी जा रहे थे और वो वहां आकर बैठ गए। उनको पता था कि यहाँ संत गरीबदास जी अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं, तो वहां बैठ जाते हैं, संत संत के पास, भगत भगत के पास, कोई किसी का भी हो बैठने की चेष्टा किया करता है कि यहीं थोड़ी बहुत बात में बात मिलेगी। तो मनीराम जी वहां आकर बैठ गए और बहुत चिंतित थे, और कह रहे थे महाराज जी दुनिया का ताकत ही बेड़ा गर्क हो लिया है, बस पूछो मत, बस कलयुग आ गया, बहुत कुछ बातें कह रहा, दुखी सा हो रहा, नूना बतावा कहानी क्या है। तो वहाँ गरीबदास जी के पास कुछ भक्त बैठ जाया करते थे, आसपास के गांव के भी, उस गांव के भी जो उनके शिष्य भी थे, वैसे विचार मेल खाते थे, वो आ जाया करते थे। तब उन्होंने कहा गुरुदेव, गरीबदास जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव ये पंडित जी किस कारण से इतने दुखी हो रहे हैं, ये कारण भी नहीं बता रहा है, क्या बात है, इनको क्या ऐसी क्या परेशानी होगी जो इतना चिंतित है। तब कभी गरीबदास जी महाराज ने बोला, कहते हैं भाई फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मणिराम को 30, झगड़ा ये है भाई कि यहां के लोगों का पहले तो विवेक की आंख फूट रही है, कोई भी इस बात विचार नहीं करता भी भगवान की कथा हो रही है वहां चले, और यहाँ का अंधा जगदीश, यहाँ का भगवान है ये उल्टे काम में हमारा जी रहे हैं, गलत काम को होता हो वहाँ खूब प्रेरित कर देता है, ये मन जो है ये स्वयं ज्योति निरंजन का अंश है, काल है, दूत है, उस काल का दूत है। तो इसके विषय में गरीबदास जी ने कहा है कि फूटी ज्ञान विवेक की, लोगों में ज्ञान रहा को नहीं, और यहाँ का अंधा है जगदीश, भाई मनीराम को तो चंपाकली को तो 500 रुपया एक के दिन में और मनीराम को 30, इसने 30 रुपये मिले 30 दिन की कथा में। अब मनीराम ने ये बेरा नहीं था, वो छुपाना चाहता था इस बात ने, क्योंकि उनको पता था संत गरीबदास जी इन बातों के विरुद्ध हैं, ये नकली काम करने वालों को लताड़ देते, वो अपनी बात क्लियर भी नहीं करना चाहता था, अपना मन भी हल्का कर रहा था। तब गरीबदास जी ने ये बताई तो मनीराम चरणों में गिर गए वो ब्राह्मण, और कहने लगे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे माफ कर दो। तब गरीबदास जी ने उनको ज्ञान समझाया कि भाई जो तू डलेट हो रहा है ये स्वार्थवश, ये पैसे इकट्ठे करके दुनिया ने गुमराह करके जो पैसे ले रहा है और जो कथावादी तू करता है, ये तेरे से कोई लाभ नहीं होना, तू अधिकारी नहीं है। जैसे उनको ज्ञान दिया कि
एक समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था सातवें दिन। उसमें सभी ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कथा नहीं कर सकते सुदासागर की, श्रीमद् भगवत सुदासागर की हम कथा नहीं कर सकते, क्योंकि सातवें दिन परिणाम आना था। सातवें दिन पता लग जाना था कि उस कथा करने वाले की कथा का क्या प्रभाव हुआ, सुखदेव स्वर्ग जाएगा या नहीं गया। यदि नहीं गया तो बात बिगड़ जाएगी। उनको मालूम था कि तुम अधिकारी नहीं हो और तुम इसको स्वर्ग के अधिकारी नहीं बना सकते। तो सभी ऋषि वशी, यहां तक कि व्यास जी ने भी मना कर दिया था कि मैं कथा नहीं सुना सकता, जबकि श्री सुदासागर श्रीमद् भागवत सुदासागर के वो लेखक भी हैं। तब कहते हैं सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया। सुखदेव जी स्वर्ग में चले गए थे अपनी साधना करके, राजा जनक से उपदेश लेकर के। तो वो स्वर्ग चले गए थे, वहां से पांडवों ने परीक्षित के ही अपने खर्चे से अपनी कमाई से वो विमान में बैठ कर आया इस पृथ्वी लोक पर। सात दिन कथा सुनाई, सब वो सर्प ने भी डसा और मर भी गया परीक्षित, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर का जीव जो है स्वर्ग तक पहुंच गया। क्योंकि राजा लोग पहले बहुत पुण्य किया करते थे, उन पुण्यों के कारण वो स्वर्ग तक पहुंच गया। स्वर्ग में अपने पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में उसको आना ही पड़ेगा। फिर भी जितना लाभ स्वर्ग तक का भी देना था वो भी अधिकारी के बिना नहीं हो सकता। तब उस मुनि राम को समझाया, अपने कर्म मत बिगाड़ा भाई, ये पाप इकट्ठा कर लिया तूने। तब उस मणिराम ब्राह्मण ने उसी दिन से वो स्वार्थी काम त्याग दिया, कथा करना बंद कर दिया और गरीबदास साहिब जी की शरण ग्रहण की और अपना मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है, इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से बहुत समय से यही करते आ रहे थे। जो एक दूसरे से देखा देखी वही कथाएं सुना करते थे। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण जी ने जो भी काम किए, जैसे शिशुपाल को मारा, कंस को मारा, अब ये तो पूर्व निर्धारित थे, इन्होंने जो करना करना था ऊपर से पहले लिखकर भेज दिया जाता है कि ये ऐसा ही करेंगे, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। अब कंस की मृत्यु का देवकी और वासुदेव के विवाह के समय ही ज्ञान हो गया था, आकाशवाणी हो गई थी कि तेरी बहन का गर्भ से उत्पन्न होने वाला आठवा जो संतान होगी वो तेरी मौत बनेगी। अभी तो पहले निर्धारित था, वही हुआ और होना था। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा अहिल्ला का जो उद्धार किया गया, अहिल्ला गौतम ऋषि की पत्नी का, श्री वो गौतम ऋषि जब इंद्र ऋषि ने स्वर्ग के देवता ने इंद्र गौतम का रूप बना करके, और अहिल्ला जो गौतम की ऋषि की पत्नी थी उसके पास वो चला गया। इस बात का ज्ञान जब गौतम ऋषि जी को हुआ तो गौतम ऋषि ने अहिल्ला को भी श्राप दे दिया और इंद्र को भी श्राप दे दिया। अहिल्ला को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की बन जा, तूने ऐसा पाप कर दिया। अहिल्ला ने जब कहा भगवान मेरा कति दोष नहीं था, आप इन पहरेदारों से पूछ लीजिए और जो नौकर हैं इनसे पूछ लीजिए, आपके रूप में इंद्र आया था, मैं पहचान नहीं सकी, मुझे इतना ज्ञान नहीं था प्रभु, मुझे बहुत गलानी है। तब वो श्राप दे चुका था, कहने लगे आप श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता। तब उसने कहा अहिल्ला ने कि मेरा पाप ये पत्थर की बनूंगी, ये मेरा कब दूर होगा, मैं कब फिर पुनः स्त्री बनूंगी, इसके बारे में बताइए। कहते हैं तब उसने गौतम ऋषि ने कहा था कि त्रेता युग में
भगवान विष्णु श्री राम रूप धार के आएगा, वो जंगल में घूम रहा होगा, जंगल में जाए वन में जाएगा और वहाँ तेरे ऊपर अपने पैरों की खड़ाऊं जाड़ेगा, तब तू स्त्री बनकर पुनः मेरे पास स्वर्ग में आएगी। अपुण्यात्मा ये कद त्रेता सतयुग की बातें हैं, और त्रेता युग फिर आया, त्रेता युग में जो की तो हुई वही श्री रामचंद्र जी जंगल में घूम रहे थे, वहाँ अहिला की जो मूर्ति बनी हुई थी पत्थर बना हुआ था उसके ऊपर खड़ाऊं झाड़े, तो वो स्त्री बन गई और वो अपने स्वर्ग में पहुंच गई। तो ये पहले निर्धारित थे, जो भी अवतारों ने करना कराना था पूर्व निर्धारित थे, और ये उतना ही कर सके, इसमें ये कम बत्ती नहीं कर सके। इसलिए परमात्मा हमें ये याद दिलाने चाहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम और तात मिटे न ये तीनों तापम, तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे कोई भी कष्ट नहीं मिट सकते। इसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि तुम हमारी भक्ति कीजिए। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, मैं कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा यो माया जाल पसारा हो, इस संसार का काल है राजा यो माया जाल पसारा हो, 14 खंड इसके मुख में बसंत है यो सबका करत आहारा हो, ये सबका करे आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। जार बार कोई ला कर डारे और फिर दे अवतारा हो, जार बार कोई ला कर डारे फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए फिर और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे 84 में डारा हो, सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे 84 में डारा हो, मध्य आकाश आप जहां बैठा वो ज्योत स्वरूपी उजियारा हो, ज्योत स्वरूपी उजियारा हो। चल हंसा उस लोक हमारे सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। वाक्य पार एक और नगर है जहाँ बरसे अमृत धारा हो, वाक्य पार एक और नगर है जहाँ बरसे अमृत धारा हो, श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूले हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे
छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कोट चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रोम चमकारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो। सत साहिब, परमात्मा कहते हैं यहाँ इतने कष्ट हैं, इन भगवानों के ऊपर भी आपत्तियां आई हैं, और ये भी केवल अपने कर्म का ही भोग भोगते रहते हैं। इसलिए इस लोक को त्याग करके, इस मृत लोक को, काल के लोक को छोड़ के तुम सतलोक में चलिए, जहां जाने के बाद तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस तत्वदर्शी के द्वारा ये तत्व ज्ञान का भेद समझकर, उनके द्वारा बताई भक्ति को करते हुए उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद यानी उस सतलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये संसार फिर ये प्राणी साधक फिर संसार में लौट कर नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई, अर्थात जिसने सबकी सृष्टि की है, और खुद कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, और उसी परमात्मा की पूजा सभी ने करनी चाहिए। जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां परमात्मा स्वयं कहते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, वो स्थान हमारा है, सतलोक है। और अब क्या बताते हैं कि इस संसार का काल है राजा, जिन यो माया जाल फसारा हो, यो कर्मों की माया बंधन बांध कर कर्म जाल फसारा हो, और 14 खंड जाके मुख बसते हैं सबका करत आहारा हो। ये सभी 14 लोकों में 21 ब्रह्मंडों में जितने भी प्राणी हैं, सबका आहार करता है, सबको खाता है। कहते हैं जार बार कोयला कर डारा, फिर दे अवतारा हो। कहते हैं ऐसा बुरा हाल कर देता आप लोगों का, जार बार यानी जला के फूक के ऐसा बुरा हाल कर देता है। जैसे मनुष्य जीवन में जो शुभ कर्म नहीं कर सके, सच्ची भक्ति नहीं कर सके, और उसके बाद 84 लाख योनियों में कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, बुरा हाल होता है। ऐसी भयंकर गर्मी में, ऐसी भयंकर सर्दी के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु सभी बाहर पड़े रहते हैं, तड़फते रहते हैं, कभी वर्षा आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज तूफान आता है, ओड़े गिरते हैं, मर जाते हैं। देखे अपने पशु पक्षी मोर अच्छे तगड़े ओड़े गिरने से वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। कभी फ्लड आ जाता है तो मनुष्यों के बहुत ज़्यादा समूह, कभी भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। कहते हैं ये जार बार कोयला कर डारे, ऐसा गुंडा दुखी इतनी बुरी तरह कष्ट देने के बाद भी ये चैन नहीं लेता। कहते हैं फिर जन्म देता ही रहता है, जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तन धर्याए, इनके भी जन्म मृत्यु होती है, तो और का कौन विचारा हो। जिनको तुम भगवान माने बैठे हो ये भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, तो और की के विचार करे तुम कितने सुखी हो सकते हो। यहां पर कहते हैं सुर नर मुनिजन छलबल मारे, 84 में डारा हो। सब करे तपस्या, हे भगवान हम मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, लख 84 में ठोक दिए। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ऋषि मुनि बेचारे अपनी सिर धड़की बाजी लगाकर साधना करते हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत इनको ना मिलने से ये वेदों के अनुसार स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ओम नाम का जाप और मेडिटेशन करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसे ऐसी कठिन साधना करते हैं, तप करते हैं, और कहते हैं हमें मोक्ष देना, उद्देश्य उनका मोक्ष ही होता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता क्योंकि वो साधना गलत है। जैसे आम के पेड़ के स्थान पर
और बबूल का किक्कर का बीज बीज कर उसके ऊपर आस्था लगाएं कि ये आम का पेड़ हो, आम इसके मोटे मोटे आम लगे, तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम साधना काल की करते हैं, शास्त्र विरुद्ध करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ है। तो यही कहते हैं कि सुरनर मुनिजन छरबल मारे और 84 में डारा हो मध्य आकाश तहां जहां तहां आप जहां बैठा वो जो स्वरूप उजियारा हो। यो काल यानी 21 में ब्रह्मांडों के ऊपर जाके ये स्वयं गुप्त रहता। और परमात्मा कहते हैं वा के पार एक और नगर है, वा के पार एक और नगर है जहां वर्ष अमृत धारा हो, काल के लोक का जहां ये रहता है इससे पार एक और स्थान है, अमर लोक है, सतलोक है, जहां पर परमात्मा की अमृत धारा अर्थात वहां पर सुख ही सुख है। और वहां की जो बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा आप ही गा रहे हैं कबीर जी कि उस परमात्मा के एक रोमकूप में लाखों सूर्य करोड़ों सूर्य भी शर्मिंदा हो जाते हैं, उनकी ज्योति भी कमजोर रह जाती है। वो ऐसा उस परमात्मा की महिमा है, ऐसे वह शक्तिवान है, वह इनका तेजो में इत शरीर है। तो वहां चलिए, वहां जाने से आपको पूर्ण सुख होगा। इसलिए पुण्यात्मा आप पहली कक्षा में कोई प्रथम कक्षा का बच्चा है, कोई द्वितीय का, कोई तीसरी का, कोई चौथी का, यानी अभी अभी आप लगे हो इस मार्ग पर, क्योंकि 12-13 साल ही इस मार्ग को प्रारंभ किए हुए हैं, हुए है 14 वर्ष हो गए हैं, जिसमें 2 वर्ष खंड हो गए क्योंकि हमारा बीच में ये बाधा आ गई थी, कोई कारण था, प्रभु की लीला थी। तो 12 वर्ष ही हम यहाँ आपका प्रचार कर पाए हैं प्रभु की महिमा का, और इसमें पुण्यात्माओं ने बहुत अच्छा समझा भी है। तो बार बार ज्ञान सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो आप इतने दृढ़ हो जाओगे कि इस काल के जाल से तुरंत निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ से आस्था हट जाएगी आपकी, यहाँ से आस्था हटेगी, आपको ये ज्ञान आने होने लग जाएगा कि ये क्या क्या व्यवस्था हुई, इस जन्म हम कहाँ सुखी हैं। मान लीजिए बड़ी बात करते हैं, अगला मनुष्य जन्म फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, फिर हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, और फिर ये यहाँ का नियम है कि 84 लाख योनियों में भी जाना ही पड़ेगा जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो इस ज्ञान को आधार बना करके हम यहाँ से हरदा हटाओगे, प्रभु के गुण गाएंगे। और ये साधना कोई एक जगह बैठकर हठयोग करके करने की नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं, गृहस्थी हैं, हमारा कोई कार्य किसी न किसी प्रकार का हमारा निर्वाह करने का क्षेत्र भी है। तो परमात्मा ने यही एक विधि जो वास्तविक विधि थी, पहले यही विधि हुआ करती थी और इसी से मोक्ष प्राप्त होती थी, काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। लेकिन इन अनाड़ी लोगों ने अपनी मनमुखी साधना, मनमान आचरण बता करके, हठ योग करके, यो साधना करके अपनी महिमा बनाने लग गए और हम इनके चेले बनते चले गए। अब गुरुजी तो समाधि लगाता है दिन में 10-5 घंटे और मौन रहता है कई कई महीने वर्षों तक, और हम उनके चेले बने बैठे हैं। तो हम न तो मौन रह सकते, न हम समाधि लगा सकते कई कई महीनों तक, तो हम उनके पीछे क्यों डलेड हो रहे हैं? क्योंकि उस साधना से वो मोक्ष प्राप्त करेगा तो हम नहीं कर सकते। वो लड्डू खा रहा है तो हम किस लिए उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं? हम स्वयं ही लड्डू खाएं, बनाएं, हम ऐसी विधि ढूंढें। और हम छोटी मोटा आशीर्वाद उनसे ले लें, वो अपनी कमाई से थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमें दे देते थे, हमें वो राहत हो जाती थी, हम फिर उनके गुण गाते रहते थे, हम पशु बन जाते, साथ ही पशु पक्षी वो बन जाते या वो भूत बन जाते। तो हम जैसे हम इसी स्थिति में आ गए हैं जैसे साहूकार के मुंह की तरफ एक निर्धन देखता रहता है। परमात्मा ने हमें ऐसी विधि बताई है कि तुम स्वयं धनवान बनो, निर्धन मत रहो। आप स्वयं वो जो साधना वो करके चले गए ऋषि जिन की तुम आड़ लिए बैठे थे, वो तो धनी हो ही नहीं सकते। और आपको ऐसा मंत्र दे दिया जाएगा कि आप खुद साहूकार बन जाओ, अपने पुण्यों की पूंजी इकट्ठी करो, धन जोड़ो। जैसे आप यहाँ आते हो सत्संग में,
वहां से यहां तक जितना भी तुम्हें समय लगता है, जितना भी आपके कदम रखे जाते हैं, एक कदम का पुण्य आपको एक यज्ञ के तुल्य होता है। अब साहूकारों लाग गया आप, फिर मंत्र के जाप, ये कोई इसी पहाड़ नहीं ठाणा भी हम जाप नहीं कर सकते। काम करते करते खेत में, दुकान पर, नौकरी में आते जाते इस नाम का जाप करना। नाम के आपने गोज मकाजू गाल लिए, बादाम गाल लिए, खोल फोल के गिरी, चलते चलते खा ले, पेट तो भरी रहा है। तो ऐसे ही राम नाम के काजू और जो बादाम किसमिस परमात्मा ने आपकी जेब में डाल दिए। न फांकते रहियो, खाते रहो, मजबूत हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। सत साहिब।